जिला बिलासपुर से देसी नस्ल की गाय लेने हेतु नूरपुर के गांव गंधो में स्वदेशी कामधेनु गौशाला में कुछ किसान पहुंचे। ये किसान देसी नस्ल के बारे में पहले भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज आने का उनका मुख्य उद्देश्य देसी नस्ल को यहां से लेकर जाना था और अपने इलाके में इसका पालन पोषण करना है। देसी नस्ल को ले जाने का मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया कि आज की खेती गौ आधारित है। गौ आधारित खेती तभी संभव है जब हमारे पास देसी नस्ल की गाय होगी। जिस प्रकार से सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि का जो अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाया है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उस पर बढ़ावा दिया है, उसके लिए देसी गाय होना अति आवश्यक है। गौशाला के संचालक ऋषि डोगरा ने बताया कि स्वदेशी कामधेनु गौशाला देसी नस्लों का संरक्षण संवर्धन एवं नस्ल सुधार में पूरे प्रदेश में प्रकल्प चला रही है एवं प्रदेश के किसानों को उच्चतम देसी नस्ल मुहैया करवाने में अहम भूमिका अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे हर किसान खेती के प्रति भी प्रेरित हो रहा है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर घुमारवी से आए कुछ किसान यहां देसी नस्ल की गाय लेने आए थे, जिसका कारण उन्होंने प्रदेश के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा गौशाला के संचालक से बात भी की गई और उनकी प्रशंसा की गई थी। उन्होंने बताया कि स्वदेशी कामधेनु गौशाला देश भर में प्राकृतिक गौ आधारित कृषि में अहम भूमिका निभा रही है और उनका पूरा सहयोग भी प्रदेश सरकार को मिल रहा है। गौशाला स्वयं लगभग 5 एकड़ पर इसका मॉडल तैयार कर रही है और अन्य गौ आधारित उत्पाद भी बना रही है। ये गौशाला सभी किसान भाइयों को आमंत्रित करती है कि देसी नस्ल की गौएं पालें और इसके बारे में अधिक जानकारी लें, साथ ही इससे रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तभी संभव है जब साहीवाल देसी गाय का किसान पालन करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील भी की है कि किसानों को और ऐसी गौशालाओं की हर संभव सहायता करें ताकि इससे लोग रोजगार के रूप में अपनाएं, तभी प्राकृतिक कृषि का सपना साकार हो सकता है। नमस्कार, मैं स्वदेशी कामधेनु गौशाला गनो नूरपुर से ऋषि डोगरा बात कर रहा हूँ और आज हमारे गौशाला में कुछ किसान भाई घुमारवी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से आ रहे हैं और देसी नस्ल के बारे में पहले भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज उनका आने का यहाँ का जो पर्पस है, लक्ष्य है, वह है कि देसी नस्ल को यहाँ से ले जाना और अपने एरिया में पालन करना। मुख्य जो इसमें कारण है देसी नस्ल को ले जाने का, वो है जो हमारी खेती है वो गौ आधारित हो और गौ आधारित खेती तभी संभव है जब हमारे पास देसी नस्ल की गाय होंगी। जिस प्रकार से सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि का जो अभियान हिमाचल सरकार ने चलाया हुआ है, माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी गवर्नर साहब ने चलाया हुआ है, तो किसानों के लिए वो तभी संभव है जब उनके पास देसी नस्ल की गाय होगी। सुभाष पालेकर जी एक प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं, तो उनके द्वारा हिमाचल सरकार भी प्रेरित हुई है और इस कृषि को, गौ आधारित कृषि को करने के लिए किसानों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है और स्वदेशी कामधेनु गौशाला एक प्रकल्प जिसमें संवर्धन संरक्षण एवं नस्ल सुधार का कार्य पूरे प्रदेश में कर रही है और ऐसे किसान भाई जो कि गौ आधारित कृषि जिसमें कि कोई यूरिया या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता, गाय के गोबर और गौमूत्र से कृषि की जाती है, उनके लिए जरूरी है कि वो देसी नस्ल की गायों का पालन करें और ऐसी देसी नस्ल की गायों का पालन करने के लिए साहीवाल नस्ल की जो गाय है हिमाचल प्रदेश के अनुसार, इसके वातावरण के अनुसार उच्चतम नस्ल की गाय है और इसके गौमूत्र और गोबर से प्राकृतिक कृषि की जा सकती है, ऐसा सुभाष पालेकर जी का मानना है और उन्होंने साबित भी किया है कि गौमूत्र और गोबर से हम एक बहुत अच्छी कृषि को जन्म दे सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो स्वदेशी कामधेनु गौशाला में आज हम लोग ऐसी कुछ गायों को हमारे किसान भाइयों को देने जा रहे हैं जो कि आगे इनका उपयोग कृषि के लिए करेंगे। स्वदेशी कामधेनु गौशाला संवर्धन संरक्षण का भी कार्य कर रही है और साथ साथ में एक मॉडल तैयार कर रही है 5 एकड़ जमीन पर जिसमें कि गौ आधारित कृषि गौमूत्र और गोबर से की जा रही है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल तैयार कर रहे हैं ताकि किसान मोटिवेट हो। तो हमारा ये मानना है कि जब किसान घर घर में ऐसी देसी नस्ल की गाय को रखेगा तभी ये सपना हिमाचल सरकार का पूरा हो सकेगा और आग्रह करते हैं
सरकार से भी कि ऐसे किसानों और ऐसी गौशालाओं को जो कि देसी नस्ल पे कार्य कर रही हैं उनको सहयोग करे और उनको मोटिवेट करे और उनको हर संभव सहायता प्रदान करे। इस मौके पर देसी गाय लेने आए रामपाल वर्मा और सुनील कुमार ने भी अपनी जानकारी साझा की। मेरा नाम रामलाल वर्मा जी और लियाना गांव कोठी पीओ तलियाना तहसील कुमारी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का मैं स्थायी निवासी हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से, क्योंकि उनकी कृपा से हिमाचल में स्वदेशी गौ पालन की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो हम भी उससे प्रेरित हुए और हमने ये निर्णय किया कि हम स्वदेशी गाय पालन का करके अपनी प्राकृतिक खेती को सुधार करेंगे, प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे और हमारी देखा देखी में हमारे गांव वाले जो दूसरे लोग हैं वो भी इस कार्य को करने में सक्षम होंगे। सर, मेरा नाम जो है सुनील कुमार है और मैं गांव फिर से बिलोंग करता हूँ उमर में बिलासपुर से। तो सर, हम जो ये साहिवाल गाय का कर रहे हैं काम, तो हमारे को आचार्य देवव्रत जी ने बताया सुभाष पालकरी जी का, हमने जो लिया हुआ था प्रशिक्षण लिया हुआ था पालमपुर में, तो उसके बाद जो है हमें गांव में जो है जीरो बस्ट का चला रहे हैं, तो जीरो बस्ट का काम करने के लिए हमारे को साहिवाल गाय की ज़रूरत है, तो इसलिए हम यहाँ अपने नूरपुर में आए हुए कांगड़ा में, तो यहाँ से जो है हम देसी गाय ले जा रहे हैं, तो हम इसको ले जा के हम वहाँ अपना काम चलाएँगे। फिर जो सुभाष पालकरी जी ने हमारे को बताया हुआ उस विधि से हम काम करेंगे और हमारे गांव में इसका क्लस्टर भी है, 4-7 लोगों का हम पहले से भी काम कर रहे हैं, पर हमारा काम जो है देसी गाय की वजह से थोड़ा ढीला चला हुआ, तो उस वजह से हम यहाँ से देसी गाय ले जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे को यहाँ से ले जाके इस गाय का हमारे को ज़्यादा फायदा मिले,